अरे मोदी जी, अंगूर तो आपके खट्टे हैं। मैं इतना नाम सुनकर शहर से आपके अंगूर खरीदने के लिए आपके गांव में आया हूँ, और यहाँ आकर मैंने आपकी अंगूर की खेती देखी, इसमें तो अंगूर खट्टे हैं। मोदी जी माफ करना, ये अंगूर मैं नहीं खरीद पाऊंगा आपके। अरे नहीं होगी जी, आपने कोई गलत अंगूर तोड़ कर खा लिया होगा, वो खट्टा लगा होगा आपको। ये देखो, इस अंगूर के गुच्छे में से एक अंगूर तोड़ कर खाओ, बिल्कुल मीठे अंगूर है, खाओ। अरे मोदी जी, जो बचे कुचे सांप दांत थे वो भी आपने खट्टे करवा दिए। ये अंगूर तो पिछले वाले से भी ज्यादा खट्टा है। कौन सी दवा का छिड़काव किया था आपने कि इतने ज्यादा खट्टे अंगूर हैं आपकी फसल में? मैं इतनी दूर शहर से आपके अंगूर खरीदने के लिए आपके गांव में आया था, लेकिन ये अंगूर तो बिल्कुल खट्टे निकले। अरे भाई साहब, आप हाथ में ये काले वाले अंगूर कैसे लिए चले आ रहे हो, बताओ। अरे सेठ जी, मैंने भी मोदी जी के बराबर में 4 बीघा खेत में ये काले वाले अंगूर की खेती की है। इसको चक्कर देखो, बिल्कुल शहद से भी ज्यादा मीठा अंगूर है, चखो। अरे भाई साहब, काले अंगूर तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ हरा वाला ये और हल्का पीला वाला अंगूर चाहिए। मेरे पास काले अंगूर की बिक्री बिल्कुल नहीं है, मुझसे कोई भी काला अंगूर नहीं खरीदता है। मेरे यहाँ पर एक लालू जी हैं, काले अंगूर के बहुत बड़े व्यापारी हैं। मैं उनका नंबर तुम्हें दे दूंगा, उनसे बात कर लेना, सारे के सारे काले अंगूर तुम्हारे खरीद लेंगे। केजरीवाल जरा देखना, ये सेठ जी तो मेरे सारे के सारे अंगूर खट्टे बता रहे हैं। भाई साहब, इतने ज्यादा खट्टे भी अंगूर नहीं है, रोज मैं एक ना एक अंगूर तोड़कर मोदी जी की अंगूर की खेती में से खाता रहता हूँ, तोड़कर बिल्कुल खट्टे नहीं है अंगूर। देखो भाई साहब, तुम मुझे ज्यादा तो सिखाओ मत, मैं 10 साल से अंगूर का व्यापार कर रहा हूँ, कौन सा अंगूर खट्टा है कौन सा मीठा है अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। ये मोदी जी की पूरी अंगूर की खेती खट्टी है। अरे ये भाई साहब पीली बनियान में अंगूर का गुच्छा लिए चले आ रहे हैं, हरे अंगूरों का। हाँ सेठ जी, मैंने भी 2 बीघा खेत में अंगूर की खेती की है, और ये बात तो मैंने अभी सुनी ली, आपको हरे अंगूरों की तलाश है, काले अंगूर आप खरीदते नहीं है। लो मेरे हरे अंगूर चक्कर देखो, बिल्कुल शहद से भी ज्यादा मीठे हैं। अरे तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी होगा, तुम्हारे कहने से तो सारे के सारे अंगूर शहद से ज्यादा मीठे हैं। जरा मैं खाकर देखूं एक अंगूर को, जरा एक अंगूर तोड़कर मुझे देना। अरे ये तो मोदी जी के अंगूरों से भी ज्यादा खट्टा अंगूर है, लगता है इस गांव में मीठे अंगूर की खेती होती ही नहीं है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, सारी की सारी शिमला मिर्च अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली में से क्यों फेंक रहे हो? इस शिमला मिर्च को भरकर तो तुम शहर में सब्जी मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहे थे, क्या हुआ यहाँ पर रोड पर क्यों फेंकने लगे? योगी जी 5 से 8 जाओ, बहुत दिमाग खराब है आज मेरा, कुछ मैं बता नहीं सकता तुम्हें। अरे मोदी जी कुछ तो बताओ, क्यों फेंक रहे हो इस शिमला मिर्च को, शहर लेकर सब्जी मंडी में क्यों नहीं जा रहे हो? चलो राहुल, मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी बात। इस शिमला मिर्च को शहर में ले जाने का भाड़ा 10 रुपए कुंटल है, और सब्जी मंडी में इस शिमला मिर्च का भाव 5 रुपए कुंटल है, यानी कि ये 5 रुपए कुंटल के हिसाब से सब्जी मंडी में शहर में बिक रही है। अब 10 रुपए कुंटल का भाड़ा है, 5 रुपए कुंटल के हिसाब से ये बिकेगी सब्जी मंडी में जाकर, तो शहर ले जाने में तो उल्टा 5 रुपए कुंटल का घाटा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे फेंक देते हैं इस शिमला मिर्च को। घाटा अपने सिर पर क्यों लें? राहुल जल्दी जल्दी से इस शिमला मिर्च को यहीं पे फेंको। अरे केजरीवाल, ये तुम क्या कर रहे हो, शिमला मिर्च को अपने पास इकट्ठा क्यों करने लगे, ये बताओ। अरे राहुल, अब तो तुम इस शिमला मिर्च को फेंक ही रहे हो, मैं इकट्ठा करके घर जाकर पका कर खा लूंगा। जब तुमने शिमला मिर्च को यहाँ रोड पर फेंक दिया तो ये यहाँ पर पड़े पड़े सड़ जाएगी या जानवर खा जाएंगे, इससे अच्छा है मैं इसे घर ले जाकर पका कर खा लेता हूँ। नहीं केजरीवाल जी, अभी आप इस शिमला मिर्च को अपने घर में ले जाओ, क्या पता सब्जी मंडी में रेट बढ़ गया, भाव बढ़ गया, तो हम दोबारा इस शिमला मिर्च को ट्रैक्टर की ट्रॉली में लाद कर सब्जी मंडी में ले जाएंगे। राहुल तुम भी बेतुकी बात करते हो, अब तो भाव बढ़ने से रहा। केजरीवाल जी, जितनी भी सब्जी ले जाना है यानी कि ये शिमला मिर्च, उतनी भरकर ले जाओ, वैसे भी तो आप अपना सारी की सारी शिमला मिर्च को फेंक ही रहे हैं। लालू जी तुम तो शहर से आ रहे हो अभी सब्जी मंडी से, वहाँ पर तुम भी तो शिमला मिर्च बेचने के लिए गए थे, किस रेट में बिकी ये शिमला मिर्च? मोदी जी अभी मैं शहर से शिमला मिर्च बेचकर आ रहा हूँ, 20 रुपए कुंटल के हिसाब से बिकी। हालांकि सुबह सुबह तो रेट 5 रुपए कुंटल का था, लेकिन अचानक रेट बढ़ गए 15 रुपए कुंटल, तो 20 रुपए कुंटल के हिसाब से शिमला मिर्च बिकने लगी। मैं तो सारी की सारी शिमला मिर्च शहर में बेच आया, बहुत फायदा हो गया। देखा मोदी जी, रेट बढ़ गए ना बढ़ गए शिमला मिर्च के, सुबह 5 रुपए कुंटल के हिसाब से शिमला मिर्च बिक रही थी, अब 20 रुपए कुंटल के हिसाब से बिक रही है। जल्दी जल्दी इस शिमला मिर्च को दोबारा इस ट्रॉली में भरो, सब्जी मंडी में ले चलते हैं बेचने के लिए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी, योगी जी, राहुल, केजरीवाल, तेजी से बजाओ, तुम्हारे हाथ में जो थाली है वो
तेजी से बजाऊं, बहुत तेज बजाऊं, नहीं तो ये टिड्डी दल मेरी भी पालक की पूरी फसल चट कर जाएंगे। क्या बताऊं लालू जी, इस टिड्डी दल ने तो पूरे गांव में तहलका मचा रखा है। अभी कल ही केजरीवाल की पूरी गेहूं की फसल ये टिड्डी दल चंद घंटों में चट कर गया। इस टिड्डी दल से बचने का बस एक ही रास्ता है, थाली को जोर से बजाए रहूं। मोदी जी और कितनी तेजी से बजाएं, इस थाली को बजाते बजाते हाथ में दर्द होने लगा। लेकिन ये टिड्डी है जो भागने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे ये योगी जी तो बड़ा मस्ती में थाली बजा रहे हैं। और लालू जी एक बात बताओ, क्या रोकर थाली बजाऊं? जितना नुकसान करना था इन टिड्डी दलों ने कर दिया, अब रोने से क्या फायदा। चलो जल्द से जल्द तेजी से थाली बजाओ, ये टिड्डी दल यहाँ से भाग जाए। मुझे लगता है मोदी जी ये टिड्डी दल तो भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा मतलब कितनी जोर से थाली बजाओ ये टिड्डी दल भाग ही नहीं रहा है। पहले तो थाली की आवाज से ये टिड्डी दल भाग जाया करता था। कहीं राहुल ये जितनी भी टिड्डी है अपने कानों में रुई तो ठूंस कर नहीं आई है, इन्हें आवाज ही ना जाती हो अपनी थाली की, इसीलिए ये नहीं भाग पा रही है। मुझे तो ये लगता है केजरीवाल तुम इतने हल्के हल्के थाली क्यों बजा रहे हो? और मोदी जी कितनी तेजी से थाली बजाऊं? जब ये कल टिड्डी दल मेरी गेहूं की फसल चट करने में लगा हुआ था तो तुम लोगों ने भी तो जोर से थाली नहीं बजाई थी, इसीलिए मेरी पूरी की पूरी गेहूं की फसल ये टिड्डी दल चट कर गया। इसी वजह से मैं भी हल्के हल्के थाली बजा रहा हूँ। अरे केजरीवाल कैसी बेतुकी बात करती हो, कल भी हमने अच्छी तरीके से थाली बजाई थी जब इस टिड्डी दल ने तुम्हारी गेहूं की फसल पर हमला किया था। लेकिन क्या करें, ये थाली की आवाज से टिड्डी दल भागा ही नहीं था, जैसे आज नहीं भाग रहा है। देखो पूरी की पूरी मेरी पालक की फसल पर मंडरा रहा है। लगता है ये मेरी पूरी की पूरी पालक की फसल चट कर जाएंगे ये टिड्डी दल। लालू जी, योगी जी, राहुल, केजरीवाल चलो वापस चलते हैं, क्योंकि ये टिड्डी दल थाली की भी आवाज से नहीं भाग रहा है। क्या करा जाए, अब अपनी फसल को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। और मैं लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।